तेन नीतम, वही तो महात्मा में लिखा है ना, तो वे ही उनका कल्याण शिव प्राण की कथा में इधर की बात करने वाले गधे बनते हैं, उन गधों का कल्याण करने के लिए भगवान को फिर से एक प्राण ध्यान लगा और श्रीमद भागवत का अवलोकन श्री ठाकुर जी को करना पड़ता। और उसके बाद जो लोग कथा के बीच में बिघ डालते हैं, कथायाम कीर्तिमानायाम विघ्नं कुर्वन्ति खलास कोट्यब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामाः। जो लोग कथा के बीच में बिघ्न डालते हैं वे सभी ग्राम के शूकर बनते हैं। इसलिए कथा के बीच में विघ्न नहीं पैदा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम उतना भी जरूरी हो, विघ्न पैदा होता है उससे कदापि नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान का, नवग्रहों का, सर्वतोभद्र का, लिगतोभद्र आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। अगर कोई चाहे तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए कथा करता है, पार्थिव शिवलिंग बनाता है और कथा सुनता है, ऐसा कर सकता है। लेकिन इससे भी विघ्न पैदा हो जाएगा, क्योंकि इतनी एकाग्रचित्त व्यवस्था तो हम लोगों की कहाँ है, कहाँ एकाग्रचित्त हम लोग रहते हैं। महापुराण की जय, श्री शंकर भगवान।